इमाम मेहंदी कौन है आइए जानते हैं कयामत के करीब की छोटी बड़ी निशानियां बताई जा चुकी हैं। उनमें एक निशानी इमाम मेहंदी का औलाद से होंगे कयामत के करीब ये आएंगे आखिरी जमाने में अल्लाह उम्मत मोहम्मद वसल्लम के लिए अहले बैत में से एक शख्स को तैयार कर देगा जो मुसलमानों की कयादत करेगा जो हज़रत हसन रजी अल्लाह की औलाद में से होगा उनकी हुकूमत सात आठ या नौ साल की होगी उनकी हुकूमत से भरे पूरे आलम को इंसाफ से भर देगी इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उतारा जाएगा आप दमिश्क शाम या बैतुल मुकद्दस में उतरेंगे वल्लाम इमाम मेहंदी के दौर में मुसलमान बेखौफ और फक्र से जिंदगी बसर करेंगे जिसका आज हम तस्वुर भी नहीं कर सकते अल्लाह एक रात में ही इमाम मेहंदी की असलाह करेगा और उनकी पूरी मदद करेगा इमाम मेहंदी का आना एक हकीकत है सभी मुसलमानों को इसे समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए कि इमाम मेहंदी का आना तय है ये ऐसी हकीकत है जो होकर रहेगी उस खलीफा मेहंदी के जरिए अल्लाह हक को हक और बातिल को बातिल को साबित करके रहेगा इमाम मेहंदी की आमद आलमी एटमी जंग के बाद होगी ये कयामत के करीब मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़ी खौफनाक जंग होगी जिसका इलाका मशरक होगा एक हदीस की रिवायत है कि यह जंग इतनी खौफनाक होगी कि इससे पहले कभी ऐसी जंग नहीं हुई यहाँ तक कि अगर कोई परिंदा फौजियों के सर से गुजरना चाहेगा तो वो दूसरे किनारे पहुंचने से पहले ही गिरकर मर जाएगा मुसलमानों का इतना खून बहेगा कि सौ में से निन्यावे मुसलमान शहीद हो जाएंगे या जंग महज रोज चलेगी और चौथे रोज अल्लाह मुसलमानों को फतह दे देगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग का नाम अलम कुबरा फरमाया है और ईसाई इस जंग को आर्मा गेगोन कहते हैं इस जंग के बाद इमाम मेहंदी का आना तय हैजरत इबन कसीर से रिवायत है कि खान काबा के नजदीक खलीफा मेहंदी खुरासान में नमोदार होंगे जिनका इंतजार किया जा रहा है और कुरैशी नौजवान होंगे जो मजबूत और ताकतवर मर्द होगा वह हाकिमों पर सख्त होगा और माल व दौलत खर्च करने वाला सखी होगा वो गरीब और मिसकीन पर रहम करने वाला होगा रसूल वसल्लम की के मुताबिक उनके आने की जगह की पहचान कर दी गई है ये अल्लाह की एक खास हमत है इमाम मेहंदी काबा में पनाह लेंगे मुशरिक उनसे लड़ने के लिए एक लश्कर भेजेंगे ताकि उनका खात्मा कर दिया जाए मदीने से थोड़ी दूर मुकाम जुल हलेफा पर यह लश्कर जमीन में धस जाएगा जलजले की वजह ऐसी जमीन फट जाएगी इमाम मेहंदी जिनके एहतराम और दिफा की खातिर अल्लाह उनकी दुश्मन फौज को जमीन दोस्त कर देगा यह वाक्य देख कर दुनिया के लोग गिरोह के गोह गिरो और जमातों की शक्ल में उनकी बैत करेंगे शाम और इराक के लोग उनके पास आकर उनके हाथ पर खिलाफत और जिहाद की बैत करेंगे सब मुसलमानों पर उनकी बैत वाजिब होगी जहूर मेहंदी की यकीनी अलामत यह है कि जो फौज उनके खिलाफ लड़ने के लिए भेजी जाएगी वह जलजले की वजह ऐसी जमीन में धस जाएगी और ईसा आईलाम ही दज्जाल का खात्मा करेंगे और यह वक्त क्यामत के करीब का वक्त होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें